हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने सीखा था हाउ टू कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ यूनिट सेल बाय यूजिंग डेंसिटी मोलर मास. ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स. ठीक है, सॉलिड में इम्परफेक्शन. इम्परफेक्शन मीन्स आप समझ रहे होंगे, इम्परफेक्शन मीन्स हो गया डिस्टर्बेंस, कोई गड़बड़ी. अब गड़बड़ी किस तरह से हो सकती है, जैसे मान लीजिए एक ये अरेंजमेंट है एटम्स का किसी सॉलिड के अंदर, और इस अरेंजमेंट में किसी कारण से यहां से कुछ एटम क्या हो जाए, डिसअपीयर हो जाए, डिसलोकेट भी हो सकते हैं. सपोज यहां से हट करके यहां पर एक कोई इंटर कर जाए, डिसलोकेट हो गया. अगर वो इस लैटिस साइड को ही छोड़ के बाहर चला गया, या कोई फॉरेन एलिमेंट या फॉरेन एटम या मॉलिक्यूल आकर के इंटरस्टिशियल साइड पर आ गया, तो इस तरीके से जो डिस्टर्बेंस होते हैं उनको कहते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स. अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. सपोज करिए आपकी ये जो क्लास है, इस क्लास में कितनी रोज है, 4 रोज है, ठीक है ना, और हर एक सीट पर दो दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं. ठीक है, पूरी क्लास भरी हुई है, 4 रोज हैं और हर एक रो में 5 सीट्स लगी हुई है, मीन्स 20 सीट्स लगी हुई हैं, और हर एक सीट पे 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं. अभी वो बिल्कुल प्रॉपर है. अभी वहां पर क्या हो जाए, कोई स्टूडेंट मान लीजिए कह रहा है सर मुझे यहाँ पर बोर्ड सही से नहीं दिख रहा है, वो अपना प्लेस छोड़ करके किसी दूसरी सीट पर आके बैठ जा रहा है, और 2 ऑलरेडी बैठे हुए स्टूडेंट वहां पर, तीसरा स्टूडेंट वहां पर आकर के बैठ जा रहा है, तो क्या हुआ, जो वहां बैठा हुआ था वहां से वो उठ करके आया, तो एक तरीके से उसने क्या किया, वहां पर वैकेंसी क्रिएट कर दी. जहां पर 2 बैठे हुए थे अब एक ऐसी जगह हो गई जहां पर एक सीट पे एक ही स्टूडेंट बैठा हुआ है, क्या हो गया, वहां वैकेंसी हो गई. और इधर जहां सीट में 2 बच्चे बैठे हुए थे वहां बीच में थोड़ी सी जगह खाली थी, जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल साइड. उस इंटरस्टिशियल साइड में आकर के वो बैठ गया, एडजस्ट हो गया. तो इस तरीके से एक क्या हो गया, वैकेंसी भी क्रिएट हो गई, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी आ गया. ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए 2-3 सेक्शन की क्लास चल रही है, एक स्टूडेंट है दूसरे सेक्शन में पढ़ रहा है, और वो वहां से आता है सर मैं उस दिन नहीं आया था, आज का टॉपिक मुझे पढ़ना है और मैंने सर से परमिशन लेके आया हूँ, और मुझे आज जो है आपका ये टॉपिक पढ़ना है, और वो मुझे परमिशन लेता है, मैं उसको अलाउ कर देता हूँ. लेकिन 40 स्टूडेंट पूरे बैठे हुए हैं, कहीं पर जगह नहीं है, और कोई बाहर से स्टूडेंट दूसरी सेक्शन से स्टूडेंट आकर के और वहां बैठ जाता है, ठीक है ना, तो कहां बैठेगा, वो भी जाके इंटरस्टिशियल साइड पे बैठेगा किसी सीट पर जहां 2 ऑलरेडी बैठे हुए हैं, उनके बीच में कहीं थोड़ा सा गैप बना के एडजस्ट करके बैठ जाएगा. इस तरीके से जितने भी डिस्टर्बेंस आएंगे और वो परमानेंटली हो जाएंगे सॉलिड में. हालांकि ये जो डिस्टर्बेंस होते हैं ये किस कारण से होते हैं, ये हीट करने की वजह से होते हैं. जब भी कोई सॉलिड मटेरियल हीट होता है, चाहे वो सनलाइट की हीट से हीट हो रहा हो, या उसे किसी तरह से हीट किया जा रहा हो उस तरह से हीट हो रहा हो, कुछ कम टेम्परेचर पर ऐसा कर देते हैं, कुछ बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर ऐसा करते हैं, लेकिन ये जितने इम्परफेक्शन आते हैं ये हीट की वजह से आते हैं, ठीक है ना. और हीट की वजह से आने के कारण जो हीट से होते हैं ऐसे डिफेक्ट को हम थर्मोडायनामिक डिफेक्ट या इंट्रेंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं. चलिए हम इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स तो समझ गए हैं, हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो डिफेक्ट है ये कितने तरीके के होते हैं. ठीक है, आप ये जान लीजिए कि इम्परफेक्शन इन सॉलिड मीन्स क्या हो गया, मीन्स हो गया डिफेक्ट्स इन सॉलिड. ठीक है, और ये जो डिफेक्ट्स इन सॉलिड है ये 2 टाइप के होते हैं. कितने टाइप के होते हैं ये, 2 टाइप. पहला होता है पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है, और दूसरा जो डिफेक्ट है उसको हम कहते हैं लाइन डिफेक्ट. बच्चों बात समझ में आ रही है, ठीक है, ध्यान से समझना, हर एक बात को अच्छे से सुनना है.
कहीं समस्या आए तो आप उसको रिवाइंड करके आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला डिफेक्ट है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा डिफेक्ट है लाइन डिफेक्ट। अभी हम बात कर रहे हैं, सपोज करिए आपने जैसे अरेंजमेंट पढ़ा था, अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और वहां क्या पढ़ा था आपने, वन डायमेंशन अरेंजमेंट, टू डायमेंशन अरेंजमेंट, थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट। अगर हम इस तरह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, वन डायमेंशन अरेंजमेंट। अब अगर यहां पर जो है इसके साथ में और दूसरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रो आ रही है तो क्या बन जाएगा, नाउ दिस बिकम टू डायमेंशन अरेंजमेंट। ओके, दिस इज टू डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब यहीं पर 3D आप बनाना चाहें तो 3D भी आप बना सकते हैं, मतलब थ्री डायमेंशनल, आपने इसको ऐसे अरेंज कर लिया, ठीक है, और यहां पर आपने इस तरीके से दिखाना शुरू कर दिया। चलिए ये तो एक रिवीजन हो गया अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, ठीक है, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं इसको। अब हम बात करते हैं जो डिफेक्ट की बात है, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। तो हम यहां पर केवल क्या करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल हमने क्या लिया है, वन डायमेंशनल, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर थोड़ा सा टू डायमेंशनल कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हमने अरेंजमेंट कर लिया है, केवल थ्री रोज हमने शो की है। सपोज करिए कि ये पूरी की पूरी रो क्या हो जाए, ये डिसअपीयर हो जाए। अब हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, समझ रहे हैं ना, ठीक है। और पॉइंट डिफेक्ट किसको कहेंगे, आपने पॉइंट तो पढ़ रखा है, पॉइंट किसको कहते हैं, किसी लैटिस में, किसी लैटिस साइड में जो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो अपने आप में एक पॉइंट कहलाता है, ठीक है ना, आपने पहले पढ़ रखा है ना। पॉइंट क्या है, किसी लैटिस साइट में है जो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अपने आप में एक पॉइंट है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल एक मॉलिक्यूल या एटम अपनी जगह को छोड़ दे और वहां पर किसी तरह की वैकेंसी क्रिएट कर दे, क्या कर दे, वैकेंसी क्रिएट कर दे, भले ही वो यहां से निकल करके लैटिस साइट से बाहर चला जाए या वो यहां से निकल करके लैटिस साइट में ही कहीं पर इंटरस्टिशियल साइट में चला जाए, लेकिन उसने एक वैकेंसी क्रिएट कर दी। इस तरीके से जो भी वैकेंसी क्रिएट होंगी तो ड्यू टू वन एटम या वन मॉलिक्यूल हो रहा है तो इसको कहते हैं पॉइंट इफेक्ट, ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई ना। अब हमें जो आज पढ़ना है अपने सिलेबस में वो केवल पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है, लाइन डिफेक्ट हमें नहीं पढ़ना है, बात समझ में आ गई। चलिए तो हम पॉइंट डिफेक्ट को समझते हैं। सबसे पहले तो हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, पॉइंट डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो पॉइंट डिफेक्ट है वो कितने टाइप का होता है, थ्री टाइप का होता है, ठीक है। पहला होता है आपका कौन सा, स्टोइकियोमेट्रिक, स्टाइकियो मैट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। दूसरा कौन सा है, इसका जो अपोजिट वर्ड होगा, अपोजिट वर्ड, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, अपोजिट वर्ड, स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया ये, दूसरा क्या हो गया, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, तीसरा कौन सा है, तीसरा है इंप्योरिटी डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट, लर्न कर लीजिए, इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड को हम डिफेक्ट इन सॉलिड कहते हैं, डिफेक्ट इन सॉलिड टू टाइप्स के हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, हमें लाइन डिफेक्ट को नहीं स्टडी करना है, हमें केवल पॉइंट डिफेक्ट को स्टडी करना है। पॉइंट डिफेक्ट थ्री टाइप्स के हैं, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है ना। इधर देखिए, अब स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है ना वो फोर टाइप्स के हैं, कितने टाइप के हैं, फोर टाइप के, हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, ध्यान से जरा समझिए,
पहला कौन सा स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट? पहला है आपका वैकेंसी डिफेक्ट। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं ना, इम्परफेक्शन किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? जब कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो सबसे पहला वर्ड क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट। समझ गए? डिफेक्ट, ठीक है। दूसरा जो डिफेक्ट है, मैंने क्या बोला, बाहर निकल जाए या फिर अपनी पोजीशन छोड़ करके उसी लैटिस साइट में जो एटम के बीच में गैप होता है जिसको इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं, वहां चला जाए, तो दूसरा क्या हो गया? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। कौन सा हो गया? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये बार बार आप लोग बोलते रहिएगा, जब आप ध्यान से सुनेंगे, बार बार बोलेंगे, वर्ड्स आपको लर्न करने हैं। पहला है वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा क्या है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और खास बात क्या है कि ये जो दोनों डिफेक्ट होते हैं ये नॉन आयोनिक सॉलिड में होते हैं। किसमें होते हैं? नॉन आयोनिक सॉलिड। क्या ये NaCl में हो सकते हैं क्या? नहीं होंगे ना, बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? NaCl कैसा है? आयोनिक कंपाउंड है। KCl कैसा है? आयोनिक कंपाउंड है। क्या उसमें हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या जिंक सल्फाइड में होगा? नहीं हो सकता। ये जो वैकेंसी डिफेक्ट है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ये आपके आयोनिक सॉलिड में नहीं होते। ये किसमें होते हैं? नॉन आयोनिक सॉलिड में होते हैं, और मोस्टली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, तो फिर आयोनिक सॉलिड में दो होते हैं, वो कौन से हैं? एक है आपका फ्रेंकल डिफेक्ट, याद रखिए, फ्रेंकल, FRENKEL, फ्रेंकल डिफेक्ट। कौन सा है? फ्रेंकल डिफेक्ट। और उसके बाद जो चौथा है, और आयोनिक सॉलिड में जो दूसरा है उसको क्या कहते हैं? शॉर्टकी। क्या बोलेंगे? शॉर्टकी। बोलिए शॉर्टकी। शॉर्टकी स्पेल क्या है? SCHOTTKY, शॉर्टकी डिफेक्ट। समझ गए? ये चार डिफेक्ट होते हैं। दीज फोर डिफेक्ट्स आर द पार्ट ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट की। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के, ठीक है। एक होता है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा होता है मेटल, अच्छा एक्सेस का अपोजिट वर्ड क्या होगा? क्या होगा? डिफिशियंसी, ठीक है ना। एक है अधिकता और एक होगा कमी, तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। समझ गए? इंप्योरिटी डिफेक्ट का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से आपको टोटल कितने पढ़ने हैं? आपको फोर इसके और टू इसके, टोटल कितने हो गए? सिक्स आपको डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। समझ में आया? मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, कुछ सेकंड का, आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से नोट करिएगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टोइकोमेट्रिक वर्ड ही हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। आपको स्टोइकोमेट्री वर्ड समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं कहूं आपसे कि जरा फॉर्मूला बताइए किसी कंपाउंड का। सपोज करिए हमने आपसे कहा चलिए ग्लूकोज का फॉर्मूला बताइए, तो आप हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला बताएंगे, C6H12O6 बताएंगे ना, ठीक है। अब यहां पर हम देखें तो जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो नंबर है वो क्या है? एक में सिक्स है, एक में ट्वेल्व है, एक में सिक्स है। तो अगर हम रेशियो देखेंगे तो रेशियो तो 1:2:2:1 है,
हमें रेशियो नहीं देखना है, हमें इन्हीं नंबर्स को देखना है, ठीक है ना। इनके नंबर क्या है, कंप्लीट नंबर है, कहीं पर पॉइंट नहीं है, कहीं ऐसा नहीं आया फॉर्मूला कि एफ ई 0.93 01.00। अगर यहां इस तरीके का आ जाए तो यहां पर देखिए ये कंप्लीट नंबर नहीं है, 0.93 कंप्लीट नंबर नहीं है, ये नॉन स्टोइकियोमेट्री हो गया, जबकि यहां पर क्या है, स्टोइकियोमेट्री है। हमने कहा आपसे आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए, आपने कहा एफईओ, अब जब आप एफईओ लिख रहे हैं ये स्टोइकियोमेट्री है, हमने कहा आयरन थर्ड ऑक्साइड बताइए, आपने कहा Fe2O3, यहां पर भी 2 और 3 कंप्लीट नंबर है, नॉन स्टोइकियोमेट्री नहीं है ये, ठीक है ना, यहां पर कोई नॉन स्टोइकियोमेट्री नहीं हो रही। थोड़ा सा इसे हम और एक्सप्लेन करेंगे जब हम नॉन स्टोइकियोमेट्री में आएंगे, तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो हम किसी मॉलिक्यूल में देख रहे हैं, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड, अगर वो नंबर ऑफ एटम्स क्या है, कंप्लीट नंबर में है, तो हम उसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्री, और अगर इनकम्प्लीट नंबर में है तो हम उसको कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई, अब हम आते हैं वैकेंसी डिफेक्ट में, ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट। अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले जो मैं बात कर रहा था, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है ये ओनली और ओनली हीट करने से ही होता है, इस वजह से इसे हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट या फिर थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इंट्रिंसिक डिफेक्ट, और दूसरा वर्ड क्या यूज करते हैं, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट की, वैकेंसी डिफेक्ट को समझना बहुत सिंपल है, जैसा कि नेम है, जैसा टॉपिक है, वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं वैकेंसी डिफेक्ट की, तो इसे थोड़ा सा एक फिगर की हेल्प से समझते हैं, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर देखिए ये एटम का अरेंजमेंट है, ये सॉलिड का कोई फेस है जिसका हमने टू डायमेंशनल ले लिया है, और ये एटम्स अरेंज है ये, ठीक, एटम्स आर, एटम या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। हाँ आयन की बात नहीं करेंगे, क्यों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है वो नॉन आयोनिक सॉलिड के लिए होते हैं, तो यहां पर आयन की बात नहीं करेंगे। वैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम वैकेंसी डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की बात करेंगे तो यहां पर हम एटम या मॉलिक्यूल वर्ड ही यूज करेंगे। अब इसको आपने हीट किया या कहीं से इसने हीट ले ली, ठीक है ना, हीट लेने के बाद क्या हुआ, ये जो है इसको आप मान लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये बड़ा बन गया ये छोटा बन गया, ये इक्वल है, ये एटम सारे इक्वल है, लेकिन क्या हुआ, ये 4 एटम एक रो में, दूसरी रो में मान लीजिए हमने यहां पर 3 एटम्स बनाए, तीसरी रो में फिर 4 एटम्स हैं, चौथी रो में फिर 4 एटम्स हैं, तो भैया एक एटम यहां पर क्या हुआ, मिस हो गया, यहां से मिस हो गया, और मिस हो करके क्या हो गया, वो लैटिस साइड को छोड़ करके बाहर चला गया, ये लैटिस साइड से बाहर चला गया, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये तो एक हमने छोटा सा पोर्शन लिया हुआ है, आप सोचिए अगर 10^5 एटम्स में से एक एटम निकल जाए तो 10^10 में कितना निकल जाएगा, 10^5 एटम निकल जाएंगे, अगर 10^15 एटम में लेंगे तो 10^10 एटम्स निकल जाएंगे, और अगर हम 10^20 की बात करेंगे तो 10^20
15 एटम्स निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर हम अवोगैड्रो नंबर की बात करें तो वहां पर लगभग 10 to power 18 एटम्स क्या हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे। अब आप सोचिए जरा कितने जगह वैकेंसी क्रिएट होगी और वो सारे के सारे क्या हो गए, लैटिस को छोड़ के बाहर चले गए, ठीक है ना। अब आपने जो एक वन मोल लिया हुआ था कोई सब्सटेंस, उसका मास कितना था, उसका मास था मान लीजिए 200 ग्राम, लेकिन उससे 10 to power 18 एटम्स क्या हो गए, निकल गए, तो उसका मास क्या 200 ग्राम बचेगा, नहीं बचेगा, जबकि वॉल्यूम में उसके कोई चेंज नहीं आया। तो किस पर असर पड़ा, डिफेक्ट का असर सबसे ज्यादा कहां हुआ, डिफेक्ट का असर हो गया उसकी डेंसिटी पर। वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ लेकिन मास चेंज हो गया, क्योंकि बहुत सारे एटम वहां से क्या हो गए, मिस हो गए, लैटिस साइड से बाहर चले गए। तो जब भी वैकेंसी डिफेक्ट होता है बच्चों, तो वैकेंसी डिफेक्ट होने से क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, क्या वैकेंसी डिफेक्ट का इफेक्ट क्या है, डिक्रीज इन डेंसिटी, समझ गए, ठीक है ना। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। किसकी बात करते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। तो यहीं पर हम बात करेंगे। अब हमने वैकेंसी वर्ड इरेज किया और यहां पर क्या लिख दिया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है ना। हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को भी हम इसी तरह फिगर से समझेंगे। अब यहां पर ये फोर एटम्स की फोर रोज है, यहां भी फोर एटम्स की फोर रोज है। आप जब इसको हीट कर रहे थे, एयर में बहुत सारे एटम क्या है, दूसरे एलिमेंट के एटम या दूसरे कंपाउंड क्या है, वहां पर मूव कर रहे हैं, और वो हीट करने पर आकर के क्या हो गए, इनकी लैटिस साइड पर आकर के बैठ गए, समझ रहे हैं ना। एक बाहर से आया जो उतने ही वॉल्यूम में आया, कहां से, बाहर से, उसके अंदर किसी एटम, कोई भी एटम नहीं निकला उस साइड से, लेकिन बाहर से क्या हुआ, कुछ एटम्स उसकी लैटिस साइट में आ गए, और लैटिस साइट में कहां पर आ गए, इंटरस्टिशियल साइट में। ये जो गैप है ना, ये देखिए, ये जो गैप है, इन गैप्स को हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट, इनको क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट, समझ रहे हैं ना। तो बहुत सारे एटम्स क्या हो गए, इंटरस्टिशियल साइट पर आ गए। अब क्या होगा, सपोज करिए 200 ग्राम लिया था और 200 ग्राम में 10 to power 23 एटम्स थे, और उसमें अब 10 to power 15 एटम्स क्या हो गए, बाहर से आ गए, तो क्या होगा, उसका मास बढ़ेगा ना। अगर मास बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम तो बढ़ा नहीं, मास बढ़ेगा तो क्या होगा, यहां पर भी डेंसिटी में ही इफेक्ट आएगा। तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट में जहां डेंसिटी डिक्रीज होती है, वहीं पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। बहुत अच्छी तरीके से बात समझ लीजिए, कौन सा डिफेक्ट है जिसमें डेंसिटी इंक्रीज होती है, आपका आंसर क्या होगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट है जिसमें नॉन आयोनिक सॉलिड में क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, तो आपका आंसर क्या आएगा, वैकेंसी डिफेक्ट, समझ गए ना। चलिए अच्छी तरह से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम तीसरा स्टार्ट करते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट। इसकी बात करेंगे हम फ्रेंकल डिफेक्ट की। तो अब फ्रेंकल डिफेक्ट देखिए जरा, फ्रेंकल डिफेक्ट, पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि फ्रेंकल डिफेक्ट किसके लिए है, फ्रेंकल डिफेक्ट है आयोनिक सॉलिड के लिए। आयोनिक सॉलिड मीन्स जस्ट लाइक, किसकी बात करेंगे, जहां पर कैटायन एनायन से मिलकर बना होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, आयोनिक सॉलिड के एग्जाम्पल में आप NaCl, KCl, Na2SO4, ZnS, HBr, AgI, AgCl ये सब बताएंगे, ठीक है ना।
अब आप देखिए यहां पर कि फ्रेंकल डिफेक्ट में होता क्या है। अभी आपने देखा था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या हुआ था, इंटरस्टिशियल साइट पर आए थे, हुआ क्या था, बाहर से आए थे, इसमें बाहर से कोई नहीं आया था। जरा ध्यान से देखिए, सपोज करिए हमने यहां पर किसको ले लिया, ZnS को ले लिया, जिंक सल्फाइड, ठीक है। Zn क्या है आपका, 12 ग्रुप का एलिमेंट है और यस 16 ग्रुप का एलिमेंट है। मींस फ्रेंकल डिफेक्ट जो होता है मोस्टली 12-16 में होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना किसमें होता है, 12-16 में। इसका दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, AgCl। Ag किसका है, ये 11th ग्रुप का एलिमेंट है और Cl किसका है, 17 ग्रुप का एलिमेंट है। तो ये 11-17 वाले जो कंपाउंड होंगे उनमें भी ये डिफेक्ट देखा जाता है, समझ में आया। तो एग्जांपल याद रखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, 12-16, 11-17 दोनों का एडिशन करेंगे 28 ही आएगा, समझ रहे हैं ना। अब यहां पर समझिए जरा, मान लीजिए ये जिंक सल्फाइड है, तो ये पहला आइटम हमने बनाया तो आयन है ये Zn2 पॉजिटिव, दूसरा जो बनाया हमने यहां पर सल्फाइड H2 निगेटिव, तीसरा हमने बनाया यहां पर ये क्या हो गया, फिर से Zn2 पॉजिटिव, चौथा बनाया हमने यहां सल्फाइड 2 निगेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहां दूसरी रो बनाई, यहां Zn2 पॉजिटिव, यहां पर देखिए Zn से ठीक नीचे जो आएगा वो क्या आएगा, H2 निगेटिव, क्योंकि कैटायन को कौन कवर करता है, एनायन, एनायन को कौन कवर करता है, कैटायन, तो कैटायन यहां पर है तो इसके जस्ट बगल में कौन होगा, एनायन होगा, ये देखिए एनायन है तो इसके जस्ट बगल में क्या होगा, कैटायन, तो Zn2 पॉजिटिव, H2 निगेटिव, Zn2 पॉजिटिव। अब यहां पर हम फिर बात करें तो यहां फिर क्या आ जाएगा, Zn2 पॉजिटिव, H2 निगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, H2 निगेटिव, ठीक है ना। अब क्या हुआ यहां पर, इसको आपने हीट किया, ठीक है, और यहां से क्या हो गया, डिसलोकेशन हो गया, क्या हुआ, डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का मतलब क्या है, आप अपनी सीट पर जहां बैठे हुए हैं और किसी ने आपको क्या किया, थोड़ा सा प्रेस करके कहीं दूसरी जगह, उस एरिया को छोड़ करके आप बगल में कहीं बैठ गए, या थोड़ा सा हो सकता है उठ के आप दूसरी जगह बैठ जाएं, लेकिन आपने रूम नहीं छोड़ा, दिस इज डिसलोकेशन डिफेक्ट, समझ में आया। तो ये लैटिस साइट हो गई, इस लैटिस साइट को नहीं छोड़ रहा, यहां पर लैटिस साइट को नहीं छोड़ेगा आयन, अच्छा यहां पर आयन डिसलोकेट कौन होगा, कौन डिसलोकेट होगा, अगर मान लीजिए दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं वहां पर, तो एक स्टूडेंट ऐसा है जो थोड़ा तगड़ा तंदुरुस्त है और एक स्टूडेंट बगल में बैठा है जो थोड़ा दुबला पतला और हल्के शरीर का है, डिसलोकेट कौन होगा, ऑब्वियसली कौन डिसलोकेट होगा, जो हल्का फुल्का होगा। और जब आयोनिक कंपाउंड की हम बात करते हैं तो आयोनिक कंपाउंड में जो कैटायन होता है मोस्टली स्मॉलर साइज का होता है, ठीक है ना, एनायन मोस्टली लार्जर साइज का होता है, समझ गए ना। तो कैटायन क्या हो गया, स्मॉलर साइज का होने की वजह से कैटायन डिसलोकेट होगा और कहां चला जाएगा, वो डिसलोकेट होकर के वो पहुंच जाएगा आपके इंटरस्टिशियल साइट पर, कहां चला जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट पर। तो जैसे ये Zn2 पॉजिटिव है, ये H2 निगेटिव है, ये Zn2 पॉजिटिव है, ये H2 निगेटिव है, ये H2 निगेटिव है, और यहां पर क्या हुआ, ये वैकेंसी क्रिएट हो गई, और यहां जो Zn2 पॉजिटिव होना चाहिए वो नहीं है, यहां H2 निगेटिव है, ये Zn2 पॉजिटिव है, इधर Zn2 पॉजिटिव, H2 निगेटिव, फिर Zn2 पॉजिटिव, H2 निगेटिव, फिर उसके बाद यहां पर H2 निगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, और फिर यहां पर H2 निगेटिव, और ये Zn2 पॉजिटिव। तो यहां से डिसलोकेट हुआ, ये वाला डिसलोकेट हो गया,
और डिसलोकेट होकर के कहां आ गया, मान लीजिए ये इंटरस्टिशियल साइट है, यहां पर आकर के वो Zn2 पॉजिटिव आ गया। ठीक है, इसने क्या किया, क्या किया इसने, इसने अपनी लैटिस साइट को नहीं छोड़ा, तो इसके मास में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन वैकेंसी क्रिएट हो गई। यहां पर क्या हुआ, वैकेंसी क्रिएट हो गई, एक तरीके से इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की तरह हो गया। बस अंतर इतना है कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में कोई बाहर से एटम या मॉलिक्यूल आता था, यहां बाहर से नहीं आया। पहले वैकेंसी डिफेक्ट की तरह से क्या हुआ, निकला, अपनी पोजीशन को छोड़ा, और दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की तरह इंटरस्टिशियल साइट में चला गया। तो जो फ्रेंकल डिफेक्ट है वास्तव में वो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। वो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ध्यान रखना। फ्रेंकल डिफेक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अंडरस्टैंड, सबको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं, हाँ एग्जाम्पल याद रखिएगा, ZnS AgCl 1216 1117, समझ गया ना। और एक बात और, इसमें जब हम 1117 की बात करेंगे तो एक और आपको कंपाउंड मिल जाएगा AgBr, क्या मिलेगा AgBr, और AgBr एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि आपके दोनों में आता है, फ्रेंकल डिफेक्ट में भी आता है और शॉर्टकी डिफेक्ट में भी आता है, वो दोनों तरह के डिफेक्ट शो करता है, तो ये बच्चों के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट AgBr, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट AgBr अगर लर्न है तो चाहे फ्रेंकल डिफेक्ट का पूछा जाए या शॉर्टकी डिफेक्ट का पूछा जाए, हम क्या करते हैं, हम दोनों में एक ही एग्जाम्पल AgBr को शो करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का जो फोर्थ डिफेक्ट है वो कौन सा है, वो है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट की बात करेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट SCHOTTKY शॉर्टकी डिफेक्ट, ये भी आयोनिक में होता है, किसमें होता है, आयोनिक सॉलिड में। ठीक है, तो इसको भी हम समझेंगे, ये क्या हुआ यहां पर, ये हमने बना लिया, ये हमने बना लिया, ये हमने फोर रोज बना ली। फिर से ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, लिसन केयरफुली। अब ये जो शॉर्टकी डिफेक्ट है इसका एग्जांपल भी ध्यान रखिए, जैसा अभी हमने कहा ना AgBr, चलिए AgBr ही ले लेते हैं, वैसे शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, कौन से आते हैं, आपका फर्स्ट ग्रुप और 17 ग्रुप का कॉम्बिनेशन आता है। अब इसके एग्जांपल में क्या जाएगा, NaCl, KCl, समझ में आया, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, आप ऐसे RbCl कर सकते हैं, कभी कभी आपका 2 और 17 का भी ग्रुप हो जाता है, समझ में आया, जैसे SrCl2, समझ में आया, इनका भी जो कॉम्बिनेशन होता है ये भी क्या करते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं। तो हम AgBr को ले लें या फिर हम NaCl भी ले सकते हैं, तो चलिए हमने AgBr ले लिया, तो मान लीजिए ये Ag पॉजिटिव Br नेगेटिव, 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 ऐसे आपको क्या करना है, सब फिल कर लेने हैं। ठीक है, Ag पॉजिटिव Br नेगेटिव, Ag पॉजिटिव Br नेगेटिव, Ag पॉजिटिव Br नेगेटिव। अब आप यहां पर देखेंगे कि हर एक कैटायन को जो सराउंड करेगा वो एनायन करेगा, और हर एक एनायन को सराउंड करेगा वो कैटायन करेगा। अब मान लीजिए आपने इसको हीट कर दिया, हीट करने पर क्या हुआ, हीट करने पर क्या हुआ, अब यहां पर होता क्या है, देखिए दूसरी बात, जो ये शॉर्टकी डिफेक्ट है ये
एनायन कैटायन दोनों के साइज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होते हैं। अगर कैटायन एनायन का साइज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है तो वो 100% क्या करेगा, शॉर्ट की डिफेक्ट को शो करेगा। एजीबीआर में आप थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं कि सर एजीबीआर में तो एजी का साइज बहुत छोटा है, पर रियली बीआर नेगेटिव आयन के रेस्पेक्ट में एजी पॉजिटिव आयन का साइज बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी ये एजीबीआर शॉर्ट की डिफेक्ट शो करता है, ये देखा गया है। ठीक है ना, इस पर हम ज्यादा बहस नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, आपने जब इसको हीट किया तो हीट करने पर क्या हुआ, ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में पहले क्या है, एजी पॉजिटिव बीआर नेगेटिव, 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 एजी पॉजिटिव बीआर नेगेटिव। ठीक है, हमने बना लिया। अब सपोज करिए कि ये जो एजी पॉजिटिव है ये यहां से क्या हुआ, ये डिसलोकेट हुआ और दूसरा ये वाला बीआर नेगेटिव डिसलोकेट हो गया। तो जब यहां और यहां डिसलोकेट हुआ तो ये वाला क्या हुआ, ये डिसलोकेट हो गया और ये वाला डिसलोकेट हो गया, समझ गए ना। तो यहां पर क्या हो जाएगी, वैकेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहां वैकेंसी हो जाएगी और उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, यहां पर मान लीजिए यहां पर जो है ये बी आर यहां पर आकर के एडजस्ट हो गया। ठीक है, नो दिस इज शॉर्ट की डिफेक्ट, ये भी इसने भी लीप कर दिया, इसने भी लीप कर दिया। यस, इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायन बोथ लीप द लैटिस साइड। इसने क्या कर दिया, लैटिस साइड को ही लीप कर दिया, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ। क्या हुआ, नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, लैटिस साइड से बाहर हो गए। तो लैटिस साइड से नंबर ऑफ आयंस बाहर होने की वजह से क्या हो जाएगा, मास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और मास डिक्रीज होने का जो रिजल्ट है वो कहां पर आएगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि ये इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, दोनों में एक खास बात क्या है, उसमें फ्रेंकल डिफेक्ट में कोई कैटायन एनायन लैटिस साइड को छोड़ता नहीं है, लैटिस के अंदर ही रहता है। लैटिस के अंदर रहने की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में कोई चेंज नहीं आया। इसी तरह से यहां पर क्या हुआ, जितना कैटायन निकला उतने ही एनायन निकले, मींस जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज क्या होता है, लैटिस साइड को लीव कर जाता है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज इक्वली जब लीव करते हैं तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में इसमें कोई चेंज नहीं आता। चेंज कहां आया, इसमें डेंसिटी में चेंज आ जाता है इसकी। तो जो शॉर्ट की डिफेक्ट है, शॉर्ट की डिफेक्ट होने की वजह से क्या हो जाता है, इसके डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें देखिए हम आपको थोड़ा सा समझाना चाहेंगे कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में, जैसे मान लीजिए हम जेड एन ओ की बात करें और एफ ई ओ की बात करें, जेड एन ओ जो है वो आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो करता है, एफ ई ओ इसलिए लिया है क्योंकि ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट शो करता है। ठीक है ना, दोनों को जरा समझिएगा, जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, जेड एन टू पॉजिटिव प्लस हाफ ओ टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन, समझ गए। जब ये जेड एन ओ को हीट करेंगे तो क्या हुआ, इससे ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन गैस है वो निकल जाती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में निकल जाती है।
तो जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में निकल जाएगी तो जो कुछ ऑक्सीजन एटम निकले हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, Zn2 पॉजिटिव को चार्ज में सेटिस्फाई कर रहे थे, लेकिन वो O2 नेगेटिव O2 के फॉर्म में O2 नेगेटिव, समझ गए ना, ऑक्साइड आयन, O2 नेगेटिव का मतलब ऑक्साइड आयन जो जिंक कैटायन को सेटिस्फाई कर रहे थे चार्ज में, अब वो ऑक्साइड आयन ऑक्सीजन गैस के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में लैटिस साइड से चले गए। तो क्या हुआ, जिंक कैटायन को ऑक्साइड आयन सेटिस्फाई कर रहे थे, अब वो जिंक कैटायन अकेले रह गए, उनको अब कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मींस एन आयन तो उससे बाहर हो गया, कैटायन उसमें रह गया, और कैटायन किसका बनता है, मेटल का, ठीक है ना। तो मेटल लैटिस साइट में ज्यादा हो गया विद रेस्पेक्ट टू एन आयन, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, समझ गए, क्या कहते हैं इसको, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्लियर हो गया। अच्छा अब यहां पर देखिए जरा, अच्छा इससे एक चीज और भी होगी, मान लीजिए कि उस लैटिस साइट में Zn कितना था, Zn 100 एटम है, ऑक्सीजन भी 100 एटम है, लेकिन उससे क्या हुआ, मान लीजिए 8 एटम ऑक्सीजन के आउट हो गए, तो Zn कितना बचा, Zn तो रह गया आपका 100 ही, ऑक्सीजन रह गया आपका 92। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं एनायन से कैटायन का नंबर ज्यादा है, तो क्या हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब अगर हम ये मान लें कि जो 92 है वो इसमें भी 92 मान लें, तो क्या हो जाएगा, Zn 11 इसको कर दें, 92 को अगर 1 मान लें तो Zn 1 O1, लेकिन उस 1 से 100 कितना ज्यादा है, वो हो गया 8 ज्यादा है, लेकिन हम 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि हो सकता है 7 हो 5 हो, तो यहां पर हम वो वैल्यू x ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस x, तो हम इस आफ्टर मेटल एक्सेस डिफेक्ट ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Zn 1 प्लस x O में, समझ में आया। अब आप ऐसे भी देख सकते हैं O भी 1 है Zn भी 1 है, लेकिन Zn का नंबर O से x ज्यादा है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इधर हम FeO को समझते हैं, FeO को देखिए यहां पर, ठीक है, FeO इसमें दूसरे तरह से होता है, FeO में क्या है, Fe2 पॉजिटिव है O2 निगेटिव है, जब ये हीट हुआ तो हीट होने पर क्या हुआ, कुछ Fe2 पॉजिटिव तो 2 पॉजिटिव ही रहे, Fe2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव ही रहे, लेकिन कुछ Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए, समझ आया ना, कुछ Fe2 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव ही रहे और कुछ Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। तो अब मान लीजिए यहां पर आपके पास 6 एटम हैं, कितने हैं, Fe के 6 एटम, लेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe इन FeO लैटिस 6, तो ये Fe यहां पर जो चार्ज होगा लैटिस में बिफोर कन्वर्जन वो कितना होगा, 6 इंटू प्लस 2 प्लस 12 चार्ज होगा ना, यहां Fe का कितना चार्ज होगा, प्लस 12। अब मान लीजिए 6 में आपके जो है वो जो 2 एटम्स हैं वो क्या हो गए, Fe 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए, तो चार्ज कितना हो गया, यहां यहां इसका चार्ज बन गया प्लस 6। ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, चार्ज नहीं बदल रहा है, प्लस 12 है, यहां भी प्लस 12 ही रहेगा, लेकिन अब ये क्या हो गया, प्लस 6 अकेले इसने कर दिया, तो अब प्लस 6 ये बनाएगा, तो जब ये प्लस 6 बनाएगा तभी दोनों मिलके ये प्लस 12 के इक्वल होंगे, और जब ये प्लस 6 बनाएगा तो इसके कितने एटम जरूरत पड़ेगी, कितने आयन, 3। अब कितने हो गए ये दोनों, 3 इसके 2 इसके, टोटल कितने हो गए, 5, जबकि यहां पहले लैटिस में कितने थे भाई, 6। तो एक एटम जो है जो यहां ज्यादा दिख रहा है आफ्टर कन्वर्जन, एक एटम कम हुआ ना, समझ रहे हैं ना, एक बार फिर से समझ लीजिए, लेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ Fe इन लैटिस 6 एंड Fe कैरी प्लस 2 चार्ज, सो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज
6 इंटू प्लस 2 प्लस 12 एंड आफ्टर कन्वर्जन देयर इज नो चेंज इन द चार्ज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सम Fe2 पॉजिटिव आयन कन्वर्टेड इंटू Fe3 पॉजिटिव आयन एंड सम Fe2 पॉजिटिव आयन रिमेन अनचेंज इन देयर चार्ज सो Fe2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इंटू Fe3 पॉजिटिव सो चार्ज बाई Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 सो द रिक्वायर्ड चार्ज बाई प्लस 2 प्लस 6 एंड प्लस 2 चार्ज मेंटेन बाय 3 एटम टोटल 3 आयंस टोटल नंबर ऑफ आयन 5 एंड बिफोर कन्वर्जन टोटल नंबर ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन 6 सो 1 एटम क्या हो गया वो लीव कर गया लैटिस साइड को जब 1 एटम लीव कर गया कमी हो जाएगी मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हो जाएगा बात समझ में आ रही है कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हो जाएगा अब उसकी वजह से जब मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हो जाएगा तो अब यहां पर क्या हो जाएगा Fe तो हो गए आपके 3 और 2 कितने हो गए Fe 5 हो गए और वो आपके 6 थे 6 ही बने रहे अब अगर हम इसके रेस्पेक्ट में इसको देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 बाय 6 हो जाएगी Fe 5 बाय 6 ओ 1 इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा Fe 0.8 ठीक है ना एंड 3301.00 हालांकि ये हमारा जो है व्यक्तिगत अपना एक एग्जांपल है जब भी Fe जो है वो कन्वर्ट होगा तो Fe जो अपना नॉन स्टोइकोमेट्रिक बनाता है उसकी रेंज होती है Fe 0.9301.00 से कहां तक Fe 0.96 तक तो जो यहां वैल्यू आनी चाहिए अगर मैं इसके हिसाब से चलूं तो यहां पर वैल्यू 0.833 की जगह कितना आना चाहिए 0.93 आना चाहिए था मैंने जो एग्जांपल ले लिया उसमें 0.833 आ गया उम्मीद है आपको इस एग्जांपल से बात समझ में आ गई होगी हालांकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है एग्जिस्टेंस जो है वो इसी रेंज में रहता है लेकिन इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मेटल की डिफिशियंसी हो जाती है उस लैटिस साइड पे बात समझ में आ गई ना तो इस तरह के डिफेक्ट को कहते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट समझ गए ना चलिए अब वापस हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आते हैं और मेटल एक्सेस डिफेक्ट को हम और थोड़ा अच्छे से समझते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है वो ये भी आपके क्या होते हैं एल्कली मेटल हैलाइड द्वारा शो किए जाते हैं ध्यान रखिएगा एल्कली मेटल हैलाइड LiCl NaCl KCl ये तीन के तीनों ही आपके क्या करते हैं ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट को शो करते हैं ठीक है ना शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो करते हैं और मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी शो करते हैं थोड़ा सा आप लोग अटेंटिव हो जाइए क्योंकि यहां एक विशेष चीज आ रही है जो थोड़ा सा आपके सोच से अलग है तो बी अटेंटिव ठीक है अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं NaCl का एक टू डायमेंशनल हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं NaCl का टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन रहा है ठीक है यहां पर कौन है Na पॉजिटिव यहां Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव 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 Cl नेगेटिव ठीक है बनाइएगा ना बोलिएगा इसको ऐसे ही बोलिएगा बोलने से आपको लर्निंग अच्छी होती है अब करना क्या है इसको हीट करना है कब कैसे करना है सोडियम वेपर में
सोडियम की वेपर, सोडियम वेपर की प्रेजेंस में, ठीक है, जब हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, सोडियम चूंकि वेपर फॉर्म में है और वेपर फॉर्म में है मतलब वो सोडियम के सारे एटम आइसोलेटेड हैं, तो वो जो सोडियम के एटम होते हैं वो क्रिस्टल के सरफेस पर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना, क्या होता है सरफेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं, और सरफेस पर डिपॉजिट होने से फिर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड आयन को लेकर के NaCl फॉर्म कर लेता है। अब मान लीजिए ये सोडियम का एटम है और इस क्लोराइड आयन को, जो यहां पर ये क्लोराइड आयन है देखिए जरा ध्यान से, ये Cl नेगेटिव आयन है, सोडियम इस Cl नेगेटिव आयन के पास जाएगा या ये यहां से निकल करके आएगा और सोडियम के साथ ऐड होगा और क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। कैसे बनाएगा, सबसे पहले सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके सोडियम कैटायन बनाएगा, वो सोडियम कैटायन Cl नेगेटिव आयन के साथ अटैच होकर के NaCl फॉर्म करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो सोडियम ने रिलीज किया है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से जो Cl नेगेटिव आयन निकल करके यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट करेगा, उस जगह वो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो जाएगा, समझ गए ना। फिर से समझिए, सोडियम वेपर की प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो सोडियम के एटम उस लैटिस के जो है सरफेस पर अटैच हो जाएगा, डिपॉजिट होगा, फिर वो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाएगा और सोडियम कैटायन Cl एनायन के साथ जुड़ करके NaCl बनाएगा। जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने रिलीज किया था वो इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी में आएगा जहां पर Cl नेगेटिव पहले था, जहां से Cl नेगेटिव निकला है, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि यहां पर एटम तो है नहीं, वैकेंसी क्रिएट हो गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आ जाने से उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में कोई चेंज नहीं आया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रही। तो ये जो यहां पर ये गैप आया, इस गैप को क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बोलते हैं एफ सेंटर। क्या कहते हैं इसको, एफ सेंटर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फॉर FAR बेन BEN जेन ZEN टर, फॉर बेन जेंटर सेंटर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इस फॉर बेन जेंटर सेंटर, इसका मीनिंग क्या होता है, कलर, जो सेंटर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको बोलते हैं फॉर बेन जेंटर जोन, और उसकी वजह से क्या होता है, ये सोडियम क्लोराइड आपने देखा ही है, आपके घर में सोडियम क्लोराइड होता है, बिल्कुल कैसा है, कलरलेस या व्हाइट कह सकते हैं, लेकिन वही सोडियम क्लोराइड येलोइश हो जाता है, येलो कलर आता है, तो येलो कलर आने का जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है, यही एफ सेंटर है जहां पर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एफ सेंटर, तो आप क्या कहेंगे, द एनायोनिक वैकेंसी, यहां पर एनायन था ना, द एनायोनिक वैकेंसी ऑक्यूपाइड बाई एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एफ सेंटर आर फॉर्बेन जेंटर सेंटर। फॉर्बेन जेंटर सेंटर मीन्स कलर फॉर्मिंग सेंटर या सेंटर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर। अब आप सोच रहे होंगे कलर कैसे आता है, तो आपने 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में आता है, एक्साइटेड स्टेट में आता है फिर उसके बाद जो है वो अपने लोअर स्टेज में वापसी करने लगता है, तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, उस समय जो एनर्जी रिलीज करता है उस एनर्जी की कोई वेवलेंथ होती है, कोई फ्रिक्वेंसी होती है, उस वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी का कोई कलर होता है, और उस कलर का कोई क्या होता है, उस कलर का कोई एक दूसरा कलर होता है जो वो कलर आता है, समझ रहे हैं।
फिर से एक बार समझ लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाके एनर्जी को फिर से रिलीज करता है, और वो जो एनर्जी रिलीज करता है वो किसी न किसी कलर की एनर्जी होती है, उसकी जो वेवलेंथ है वो किसी न किसी कलर को बिलोंग करता है, ठीक है ना। और जिस कलर को बिलोंग करता है उस कलर का जो कंप्लीमेंट्री कलर होता है वो कलर आता है। तो येलो कलर जो आता है वो, इसका मतलब येलो कलर का येलोइश हो जाता है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, व्हेन सोडियम क्लोराइड हीटेड इन वेपर ऑफ सोडियम देन सोडियम क्लोराइड एक्वायर्स येलो कलर, एंड सेम व्हेन लिथियम क्लोराइड हीटेड इन द वेपर ऑफ लिथियम देन लिथियम एक्वायर्ड पिंक कलर, ओके। एंड सेम हियर व्हेन पोटेशियम क्लोराइड हीटेड इन पोटेशियम वेपर देन इट एक्वायर्स वायलेट कलर। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, लिप LIP, लिप LIP, LI लिथियम, पी फॉर पिंक, ठीक है, KV केंद्रीय विद्यालय का, KV, के फॉर पोटेशियम, बी फॉर वायलेट, और सोडियम क्लोराइड को आप सेपरेटली लर्न रखेंगे, इट एक्वायर्स येलो कलर, ठीक है ना। आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्योरिटी इफेक्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।